हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीसी सर्वो मोटर की। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि सर्वो मोटर क्या होता है, और सर्वो मोटर तीन तरह के थे: एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर और स्पेशल सर्वो मोटर। तो एसी सर्वो मोटर के बारे में तो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डीसी सर्वो मोटर क्या होती है और कैसे काम करती है। नाउ वी राइट डीसी सर्वो मोटर्स। देखिए, डीसी सर्वो मोटर में क्या होता है कि पहली बात तो यह है कि डीसी सर्वो मोटर्स आर सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वो मोटर्स। मतलब ये जो सर्वो मोटर्स होते हैं, या तो ये सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वो मोटर होते हैं। द आर्मेचर ऑफ डीसी सर्वो मोटर हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस, देयरफॉर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, फिर ये रिएक्टेंस हो गया, यहाँ पे आपकी ये जो है मोटर लगी हुई है, ठीक है, और इस तरह, ठीक, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका VA, ये करंट फ्लो कर रही है आर्मेचर में IA हो गया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर रिएक्टेंस RA XA, ठीक है, और ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह, ये हमने एक फील्ड वाइंडिंग बना दी IF, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो ये एक तरह से आपका हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर, ठीक है, ये हो गई आपकी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर। तो जैसे हमने बताया कि डीसी सर्वो मोटर या तो आर सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट डीसी सर्वो मोटर। द आर्मेचर ऑफ डीसी सर्वो मोटर हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस, इसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है। उसके लार्ज होने से क्या होता है कि जो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक होती है वो लीनियर आती है। मतलब इसका अगर हम टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें, तो सपोज कीजिए ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस पे हम ये दिखा रहे हैं स्पीड, ठीक है, और इधर हम शो कर रहे हैं ये हो गया टॉर्क, ठीक है। तो अब जब इसके बीच में टॉर्क और स्पीड के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे, तो आप ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस आएगी, लीनियर, ठीक है। अब इसमें सपोज कीजिए कि ये जो आउटर लाइन है, ये अलग अलग वोल्टेजेस के लिए हमने ड्रॉ किया है। तो मान लीजिए ये हो गया V1 के लिए, ये हो गई V2 के लिए, और ये हो गई V3 के लिए। तो इनमें जो रिलेशन होता है V1 V2 V3 में, वो इस तरह होता है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ये रिलेशन होता है वोल्टेज V1 V2 और V3 में। अब इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप ये देखिए कि द डीसी सर्वो मोटर्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम आर्मेचर साइड और फ्रॉम फील्ड। यानी डीसी सर्वो मोटर को आप आर्मेचर साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं और फील्ड साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर द रेशियो ऑफ एल अपॉन आर इज लार्ज, दैट इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर फील्ड सर्किट इज लार्ज। ड्यू टू लार्ज टाइम कॉन्स्टेंट द रिस्पॉन्स इज स्लो एंड देयर फोर दे आर नॉट कॉमनली यूज। तो देखिए, इसको जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डीसी सर्वो मोटर को, उसने ये बोला है डीसी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं दोनों तरफ से, आर्मेचर साइड से भी और फील्ड साइड से भी, ठीक है। अब अगर हम फील्ड, इसको मान लीजिए अगर हम फील्ड कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि रेशियो जो है एल अपॉन आर जो आएगा, ठीक है, वो बहुत लार्ज होगा, ठीक है, और टाइम कांस्टेंट लार्ज, ये एल अपॉन आर क्या है, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट आप लार्ज रखेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका जो रिस्पॉन्स है, मोटर का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, और मोटर का रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा तो इस वजह से इसको जो है जनरली नहीं यूज़ करते हैं, दे आर नॉट यूज।
ड्यू टू स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी कंट्रोल बाई एडजस्टिंग द वोल्टेज अप्लाई टू द आर्मेचर। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो आर्मेचर पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने आर्मेचर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया था VA, उससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर द टाइम कॉन्स्टेंट इज स्मॉल। तो आर्मेचर कंट्रोल में फायदा इस वोल्टेज से क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें जो टाइम आर्मेचर कंट्रोल में क्या होता है, जो टाइम कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, वो बहुत ही द टाइम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, यू कैन से टाइम कांस्टेंट स्मॉल होता है। और टाइम कांस्टेंट स्मॉल होने से क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स है मोटर का, रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। और रिस्पॉन्स फास्ट होने से ये होता है कि इस मोटर को एफिशेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो द एफिशेंसी इज बेटर देन द फील्ड कंट्रोल मोटर, यानी आर्मेचर कंट्रोल मोटर की, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बेटर होती है इन कंपैरिजन ऑफ फील्ड कंट्रोल के। तो इसीलिए जनरली सारे जगहों पे आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें इसकी कि आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का, अगर हमें मान लीजिए सपोज कीजिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है या और कोई चीज़ निकालनी है, तो उसको भी हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर है और उसका हमें सपोज कीजिए कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर आप डिराइव करना चाहें तो उसको आप डिराइव भी कर सकते हैं इजीली, उसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह डिराइव कर सकते हैं कि इस मान लीजिए आपने सर्किट डायग्राम बनाया, से फिर से दोबारा आपने बनाया RA, फिर ये हो गया हमारा रिएक्टेंस की जगह इंडक्टेंस LA हो गया, यहाँ पे क्या लगी हुई है हमारी मोटर लगी हुई है। ठीक है, इस तरह, और जो हमारी सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग है वो लगी हुई है यहाँ पे ऐसे। ठीक, तो ये हमने इसमें करंट क्या फ्लो कर रही है IA, और ये हो गया वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा EMF, ये हो गया E, इसको हमने दिखा दी, दिस इज RA एंड दिस इज LA, और इसके साथ हमने क्या किया, एक शेफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, वो शेफ्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो हमने कहा कि ये हो गया थीटा, टी टॉर्क हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे और बी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में शेफ्ट को घुमा रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस हो गया ये हमने दिखा दिया LF, इसमें ये IF करंट आ रही है, और यहाँ पे हमने लिखा दिस इज कॉन्स्टेंट फील्ड वोल्टेज। तो ये एक आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर का हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। अब इसका अगर आप ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना चाहें तो आप बड़े आराम से इसका ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए जैसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जो हम लोगों ने यूज़ किया, RA क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस, LA क्या है आर्मेचर सेल्फ इंडक्टेंस कॉज बाई आर्मेचर फ्लक्स, IA आर्मेचर करेंट, IF फील्ड करेंट, E क्या है इंड्यूस्ड EMF इन आर्मेचर, V इज द अप्लाइड वोल्टेज, T टॉर्क डेवलप्ड बाई द मोटर, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर शेफ्ट, जे इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर शेफ्ट एंड लोड रिफर्ड टू द मोटर, और बी क्या है इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मोटर एंड लोड रिफर्ड टू द मोटर। तो ये जो भी हमने सिंबल यूज किया इसके बारे में हमने बता दिया। अब अगर हम आर्मेचर सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे तो हमने लिखा कि अप्लाई KVL इन आर्मेचर सर्किट, अगर हम आर्मेचर सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू RA IA प्लस L DIA बाई DT प्लस E, ये आ जाएगा।
अब इसमें हमने कहा कि सिंस फील्ड करेंट आई एफ इज कॉन्स्टेंट, फ्लक्स फाई जो है कॉन्स्टेंट रहेगा व्हेन आर्मेचर इज रोटेटिंग एंड ई एम एफ इज इड्यूस्ड। अब जब हमने कहा कि व्हेन आर्मेचर इज रोटेटिंग, आर्मेचर जब घूम रहा है तो क्या होगा, ई एम एफ इंड्यूस होगा, और ई एम एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, ई एम एफ प्रोपोर्शनल होगा फाई ओमेगा के, ठीक। और चूंकि हमने कहा कि फील्ड करेंट आई एफ कॉन्स्टेंट है, आई एफ इज कॉन्स्टेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, फाई भी कॉन्स्टेंट होगा। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एक हमने ये कॉन्स्टेंट कोफिशियंट ले लिया के बी इंटू ओमेगा, ये आ गया, या ओमेगा को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के बी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और के बी क्या है, के बी को आप लिख सकते हैं के बी इज बैक ई एम एफ कॉन्स्टेंट, दिस इज बैक ई एम एफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि नाउ द टॉर्क टी डिलीवर्ड बाई द मोटर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आर्मेचर करेंट एंड फ्लक्स। जो टॉर्क टी है जो मोटर डिलीवर कर रही है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, ठीक है। और फिर चूंकि फाई कॉन्स्टेंट है तो टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के ए इंटू आई ए। अब यहाँ पे के ए क्या है, के ए को आप लिख सकते हैं ये हमारा मोटर टॉर्क कॉन्स्टेंट है, ठीक। अब डायनेमिक इक्वेशन अगर आप लिखेंगे टी की विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो टी की जो डायनेमिक इक्वेशन आएगी वो आएगी टी इज इक्वल टू जे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी, ये इक्वेशन आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी इक्वेशंस हमारी आई हैं इन सब का मतलब जितनी कौन कौन सी आई है, सपोज कीजिए हमने कहा ये 1 2 2, ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, इन सारी इक्वेशंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन करके हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से जो इक्वेशंस आ जाएंगी हमारी, वो हो जाएगी वी एस माइनस ई एस इज इक्वल टू हो गया आई ए एस और इनटू आर ए प्लस एस एल ए, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी हो जाएगी ई एस is equal to KB S into theta S, ये हो गया। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी TS is equal to K A into IAS, और चौथी इक्वेशन आएगी हमारी TS is equal to S square J plus SB इंटू थीटा एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये इक्वेशंस आ जाएगी, या इस लास्ट वाली इक्वेशन को देखिए, इसमें से आप एस कॉमन ले लेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं एस जे प्लस बी इंटू एस ऑफ थीटा एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि देखिए इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आपको इन चारों इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ, जैसे पहली इक्वेशन देखिए, इसको देखिए, इसका जो ब्लॉक डायग्राम आएगा वो आएगा क्या, पहले हम यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगा देंगे प्लस माइनस, इसमें इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ वी एस, ठीक है, और इधर से इनपुट हुआ ई एस, तो ये हो गया वी एस माइनस ई एस। फिर हमने आगे ले गए इसको, हमने एक ट्रांसफर फंक्शन लगाया, ब्लॉक लगाया, ये क्या है 1/RA प्लस एस एल ए, ये हो गया 1/, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जो मैंने लेक्चर डाला हुआ है कि इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं,
उसको एक बार आप देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये आ गया आपका आईए। अब दूसरी इक्वेशन का बनाइए। तो दूसरी इक्वेशन में सीधा सीधा एस ऑफ थीटा एस इनपुट होगा, यहाँ पे ब्लॉक लग गया जिसका ट्रांसफर फंक्शन है के बी, और यहाँ हमको मिल जाएगा ई एस। ठीक, फिर तीसरी इक्वेशन ड्रॉ कीजिए, इसमें इनपुट क्या होगा, इसमें इनपुट होगा आई ए एस, ये हो गया के ए, यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या टी एस। ठीक है, और चौथी इक्वेशन हो जाएगी टी एस हम इनपुट करेंगे, और यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाएगा ट्रांसफर फंक्शन वन अपॉन जे एस प्लस बी, और आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे एस ऑफ थीटा एस, थीटा एस। ठीक, अब इन चारों जो हमने अलग अलग इक्वेशंस का ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इन चारों को जब आप कंबाइंड रूप से बना देंगे तो आपको ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर का। तो अब इनको कंबाइंड रूप से बना दीजिए, तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये पहले हमने एक समिंग पॉइंट बनाया पहला वाला, ये इसमें क्या किया हमने, ये दे दिया हमने वी एस। ठीक, उसके बाद ये ब्लॉक आ गया वन अपॉन आर ए प्लस एस एल ए, ये हो गया। फिर उसके बाद ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया के वाला के ए, फिर ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया वन अपॉन जे एस प्लस बी, फिर ये चला गया आपका वन अपॉन एस में वन अपॉन एस, और ये आउटपुट हमको मिल गया थीटा एस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमने एक टेक ऑफ पॉइंट लिया, यहाँ से इसको लाया ऐसे, यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन लगाया के बी, और ये हमने इनपुट कर दिया यहाँ पे ई एस, ये हो गया हमारा ई एस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे हो गया सीधा सीधा वी एस माइनस ई एस आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई ए एस हो गया, फिर के ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा टी एस आ गया। अब इक्वेशन से मिलाते जाइए, फिर ये एस ऑफ थीटा एस आया, और फिर वन अपॉन एस से कर दिया हमने, थीटा एस आ गया ये। तो ये एक तरह से क्या आ गया, ये एक तरह से आ गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ, ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर। ये आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर का ब्लॉक डायग्राम आ गया हमारे पास। अब इसका अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो चाहे तो आप, अच्छा इसमें एक, इसमें आप चाहे तो ब्लॉक, अब इसमें क्या करना हो, या तो ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा कि आपको ब्लॉक रिडक्शन रूल यूज करने होंगे। ब्लॉक रिडक्शन रूल कैसे यूज किया जाते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल भी हमने वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, उसको रिफर कीजिए। तो अब हमने कहा कि नाउ डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन बाय ब्लॉक रिडक्शन मेथड। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्लॉक रिडक्शन रूल से, और उसके बाद जाके हम ट्रांसफर फंक्शन इसका निकल आएगा। ठीक, तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे या रिड्यूस करेंगे ब्लॉक रिडक्शन से तो क्या होगा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ये किया कि ये देखिए, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ ले जाने की क्या करना होगा, ये जो वन अपॉन एस गड़बड़ करेगा, इससे हम एक एस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोबारा ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, तो इसको आप यहीं भी समझ लीजिए, मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ कि
क्या करेंगे हम, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां से उठा के, यहां से उठा के इसको हम ले गए यहां पे, ठीक, ये हटा दिया हमने, यहां से हटा दिया, ऐसे समझिए। और इस 1/s के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे एक 1/s का ब्लॉक और लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके करने से क्या होगा कि अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, क्योंकि ये दो ब्लॉक कैस्केड में हो गए, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये चारों, एक, ये और ये चारों एक साथ कैस्केड में हो गए। तो क्या होगा कि अब ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ये बहुत सिंपल होके ये रह गया केवल हमारा इतना। देखिए, एक ब्लॉक रह जाएगा ये फॉरवर्ड पाथ में और केवल एक रह जाएगा हमारा रिवर्स पाथ में, ठीक। यहां पे जैसे समिंग पॉइंट लगा हुआ था वैसे आप लगा दीजिए, ये किया आपने, इनपुट किया वी एस, यहां से इनपुट जो आ रहा है ई एस, ये इसमें गया, और यहां जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा इन चारों का, आप पीछे पीछे वाली वीडियो में देखिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाले में, कि व्हेन फोर ब्लॉक्स आर इन कैस्केड द टोटल गेन ऑफ द विल द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज फोर। तो आपको सीधा इनके जो ट्रांसफर फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो सीधे आप मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के ए डिवाइडेड बाई एस इंटू आर ए प्लस एस एल ए और इंटू जे एस प्लस बी, सीधा सीधा इसका तो आ गया ये, ठीक। अब फिर ये आउटपुट जैसे जा रहा है, ये आउटपुट हो गया हमारा क्या, थीटा एस, ये हमने लिख दिया, और टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे था वो हमने लगा दिया ऐसे। इन दोनों का कैस्केड में क्या हो जाएगा, के बी अपॉन एस, के बी अपॉन एस, ये आ गया। अब ये सीधा सीधा देखिए थीटा एस अपॉन बी एस की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसका वो क्या होता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, यही होता है ना। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा थीटा एस अपॉन वी एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के ए अपॉन आर ए प्लस एस एल ए इंटू जे एस प्लस बी इंटू एस प्लस के ए इंटू के बी इंटू एस, सीधा सीधा ये आ जाएगा। या इसी चीज को अगर आप देखें, ये तो फाइनल आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया डीसी सर्वो मोटर का, इसको अगर आप रीअरेंज करके दूसरे ढंग से लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम कांस्टेंट डायरेक्ट निकल आएगा। तो इसको मान लीजिए हम रीअरेंज करके हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, के ए अपॉन आर ए हम बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस एल ए अपॉन आर ए हो गया, इंटू एस बी लिखा हमने, 1 प्लस एस जे अपॉन बी आ गया, प्लस के ए के बी एस आ गया। अब इस तरह लिखने में फायदा क्या हुआ कि ये जो एल ए अपॉन आर ए है, ये वाला एल ए अपॉन आर ए, इसको हम टाइम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमने कहा लेट एल ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू टाउ ए, और टाउ ए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर्मेचर सर्किट। और ऐसे जे अपॉन बी को हम लिख सकते हैं, जे अपॉन बी को हम लिख सकते हैं टाउ एम, टाउ एम क्या है, मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं मैकेनिकल टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगी थीटा एस अपॉन बी एस इज इक्वल टू के ए अपॉन एस इंटू आर ए इंटू बी इंटू 1 प्लस एस टाउ ए इंटू 1 प्लस एस टाउ एम,
प्लस के ए इंटू के बी इंटू एस, ये आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन डीसी सर्वो मोटर का, जहां पे टाउ ए क्या है, टाइम कांस्टेंट है आर्मेचर सर्किट का, और टाउ एम क्या है, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप डीसी सर्वो मोटर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक जो इसका आया था वो क्लियर था, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था। द इफेक्ट ऑफ द बैक ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द फीडबैक सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है ना, कि जो ईएमएफ जो बैक ईएमएफ का जो इफेक्ट था वो फीडबैक सिग्नल वाला था और वो प्रोपोर्शनल था टू द स्पीड ऑफ मोटर। तो इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर का आप डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें पीछे के भी लेक्चर्स का देखिए, ब्लॉक रिडक्शन और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं या जिन्होंने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, स्पेशली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की और सिस्टम इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाने की, पहले आप वो दो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये आप इसका डेरिवेशन वाला पार्ट कीजिएगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करेंगे। थैंक यू।